हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने बनाया है मिक्स वेज बेसन चीला। इसको बनाने के लिए ये मैंने एक बाउल बेसन ले लिया था और उसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून ये मैदा डाला है। आप चाहे तो सूजी डाल सकते हैं, ज्वार का आटा या कुछ भी आटा, ताकि इसको अच्छे से बाइंडिंग मिले और अपना चीला फटे नहीं। और इसके अंदर मैंने डाली है बारीक कटी प्याज, कैबेज, शिमला मिर्च और टमाटर, अदरक, मिर्ची, लहसुन की क्रश की हुई पेस्ट, हरी धनिया, हरी मिर्ची और पाउडर मसाले में डाला है नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और हींग, और 2 टेबलस्पून डाला है दही। और बैटर तैयार कर लिया था और इसके अंदर फिर डाल दिया है तेल और चुटकी, मैंने इसमें खाने का सोडा डाला है। बैटर को अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट रेस्ट दिया है। इस नॉन स्टिक तवे पे मैंने थोड़ा सा तेल रख के इस तरह से देखिए चीला फैला लिया है। और ये चीला थोड़ा सा अपने ऊपर जैसे ही ड्राई होता है, इसके दूसरी तरफ भी अपने तेल अप्लाई करेंगे और दूसरी साइड भी इसको होने देते हैं। और ये देखिए अपना बढ़िया सा चीला बन के हो गया है रेडी। और इसको मैंने घर की बनी टमाटर धनिया मिर्ची की चटनी के साथ सर्व किया है। और इसी तरह से बाकी चीले भी उतार लेंगे। तो ये नॉनस्टिक तवे पे कम तेल में ही बन जाता है और आप चाहें तो लोहे के तवे पे भी बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा ही तेल डाला है और आपको जो भी शेप और साइज का चाहिए उस हिसाब से आप अपने इसके अंदर ये बैटर डाल के फैला दें। और ये देखिए थोड़ा मोटा ही बनेगा, बहुत ज़्यादा पतला अच्छा भी नहीं लगेगा, वो एकदम चिमड़ा जाएगा। तो ये इस तरह से, क्योंकि इसके अंदर अपने बारीक वेजिटेबल्स जो है चॉप करके डाली है, तो इस तरह से फैला ले। और पहले जब फैलाएं तो गैस की आंच को बिल्कुल स्लो रखें और बाद में अपने पूरा फैलाने के बाद गैस की आंच को तेज करें। और ये 1 आध मिनट बाद जब ऊपर अपना ये लेयर थोड़ा सा सूखा हो जाए, तब उसके ऊपर थोड़ा सा देखिए ऊपर ड्राई हो जाना चाहिए, तब अपने इसके ऊपर अपने ये तेल अप्लाई करेंगे। आप तेल, घी, बटर जो भी लगाना चाहें। और इसके बाद ये चीले को धीरे से पलट लेंगे और दूसरी तरफ भी मीडियम आंच करके होने देंगे। तो एक चीले को होते हुए लगभग 2.5-3 मिनट लगता है। और ये देखिए अपना बढ़िया सा चीला बन के हो गया है रेडी। तो इसी तरह से सारे चीले उतारते जाएंगे। तो ये देखिए एक और मेरा चीला बन के हो गया है रेडी। और ये देखिए इस तरह से, और कुछ अपने सर्विंग में भी चले गए हैं। और ये देखिए सारे ही एक के बाद एक, वन बाय वन मैं चीला उतारती जा रही हूँ। ये अपना बढ़िया सा बैटर है और ये चीला बन के हो गया है रेडी। इसको आप चाहे तो टोमेटो सॉस के साथ भी खा सकते हैं, हरी चटनी के भी साथ खा सकते हैं, तो चाय के साथ भी बढ़िया लगेगा। तो चॉइस इज योर्स। तो इसी तरह से अपने सारे चीले बनाते जाएंगे। और ये देखिए नॉनस्टिक तवे पे बनाया है तो इसके अंदर तेल कम जाएगा। और ये लास्ट में जो बैटर बचा था तो मैंने अपने लिए एक जम्बो साइज बना लिया है। और ये देखिए इसको पलट दिया है दूसरी तरफ भी। तो इस तरह से मेरा चीला बन के हो गया है रेडी। एंजॉय करते हैं। मेरे वीडियो को इसी तरह से देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय से मिल जाए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड फॉलो माई फेसबुक पेज। थैंक यू।